नमस्कार। आज हम लोग बीर से वापसी कर रहे हैं। हमारा ये बीर का ट्रिप बहुत शानदार रहा, बहुत इन्जॉय किया हमने। धर्मशाला, मैकलॉडगंज, पालमपुर, जोगिंदर नगर, बहुत सारे स्टेशन हमने कवर किए। और क्योंकि मौसम ने बहुत साथ दिया, बहुत बढ़िया मौसम था, तो हमने भी भरपूर मज़ा उठाया और अपनी ट्रिप का आनंद लिया। आशा है आपको भी ये वीडियोस बहुत पसंद आए होंगे। आप अपने कमेंट्स भेजिए, उसके आधार पे हम फिर अपना अगला ट्रिप प्लान करेंगे। थैंक यू। कल रात को फिर बारिश हुई और 4-5 घंटे लगातार बारिश हुई और ऊपर का नज़ारा देखो फिर बदल गया। चोटियों पर फिर बर्फ पड़ गई और सुबह सुबह सूर्य की किरणें जब इन चोटियों पे पड़ी तो चांदी ही चांदी चमकने लगी। और मौसम भी खुल गया तो ये देखिए फिर से पैराग्लाइडर्स, फिर से पैराग्लाइडर्स जो हैं वो आसमान में हमें दिखाई दे रहे हैं। कम है लेकिन मुझे लगता है ऊपर बिलिंग में मौसम काफ़ी साफ हो गया है, धूप पड़ रही है बिल्कुल, तो ये मौका छोड़ते नहीं। जैसे ही मौका मिलता है फटाफट शुरू हो जाते हैं। 2 दिन से बिल्कुल पैराग्लाइडिंग बंद थी, सुबह शाम बारिश हो रही थी और इस वक्त ये मौसम का फ़ायदा उठाते हुए चल पड़े हैं फिर से अपने मिशन की ओर। एक बात तो है, जब ये घूम नहीं रहे होते तो लगता नहीं हम भीड़ में हैं, क्योंकि भीड़ की निशानी ही यही है। ये पैराग्लाइडर्स जो बिलिंग से टेक ऑफ करते हैं और भीड़ में नीचे लैंड करते हैं, बहुत ही खूबसूरत। इधर बादल ही बादल हैं, घने सफेद बादल। मौसम का मिजाज बदल गया है, देखिए क्या क्लाउड्स। अभी 1 घंटा पहले तक पूरा धूप ही धूप थी और इस समय देखिए कैसे क्लाउड्स, ऊपर तक क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं। एकदम मौसम बदल गया है और हमारा मूड भी बदल गया है। कहाँ घर में बैठे थे धूप से बच के, अब हम भी निकल आए हैं बाहर। अभी हम कांगड़ा से थोड़ी दूर रुके हैं और देखो कैसे बादल दिखाई दिए। ओहो क्या काली घटाएं बिल्कुल घेरा हुआ है, ये देखो क्या काली घटाएं हैं। कांगड़ा इलाका से थोड़ी देर पहले रुके हैं हम, क्या मन को मोहने वाला, मैंने तो देखे नहीं भाई ऐसे काले काले बादल। देखो कैसे काले काले बादल हैं, कितने घने कितने प्यारे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मज़ा आ गया देख के। उधर भी दिखाओ, उधर भी दिखाओ, उधर भी, उधर भी दिखाओ। एकदम मस्त मस्त वाला व्यू है। ये मेरा बेटा भी आगे वीडियो बना रहा है, देखो घूम रहा है मज़े से। मौसम का आनंद लेते हुए हम पहुंचेंगे। मन तो नहीं कर रहा, ऐसी जगह है ये, बट घर तो घर होता है।
कोई सूरज बेचारे आज बादलों की ओट में है, गरज रहे हैं बादल, गरज रहे हैं, कहीं ना कहीं जोरदार वर्षा हो रही है पहाड़ों पर। वाव वाव सीन बोलते हैं इसको, वाव। सब पैसा वसूल, ग्रेट मेमोरीज। इस वक्त हैं हम हवेली में, नाउ इट्स डिनर टाइम। चलो चलते हैं, यहाँ एक झूला रखा है, आओ झूले पे अपना बचपन याद करते हैं। हवेली पे ज़्यादा रश नहीं है, वर्किंग डे है, कोई ज़्यादा रश नहीं है। लाइटों से जगमगा रही है। डिनर के लिए हम रुके हैं हवेली में, अंबाला पहुंच गए हैं, पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी हमें। चलिए डिनर के बाद मिलते हैं आपको। हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं, कल सुबह सुबह हम दिल्ली पहुंचे थे और मौसम एकदम खुशगवार। देखो बिलबिलिंग से हम लोग ऐसी पवने लेके आए कि दिल्ली का मौसम भी बिल्कुल खुशगवार हो गया। हमारे यहाँ जो ट्रिप था वो बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया लगा हमें वहाँ का मौसम। अभी भी वहाँ का मौसम, वहाँ की पहाड़ियाँ, वहाँ के बादल बहुत याद आते हैं। तो चलिए थोड़ी सी उन यादों को समेटते हैं और फिर एक सुंदर सी जगह का प्लान बनाते हैं और फिर आपको नई नई वादियों में घुमाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। अपने मन, अपने विचारों और भावों को सकारात्मक बनाओ और वही सकारात्मकता आपके चेहरे पे देखो एक ग्लो ला देगी। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार। Okay, bye, take care, have a nice day.